वार हो रही है क्यों? किस चीज पे? किस चीज के लिए वार हो रही है? और आज वार हो रही है, बताइए। तो हमारी शादी टूट गई है और बहुत सब गुस्सा हो गए थे, सब निकल रहे थे। उससे पहले ही उसके बाद बुंदेला आ जाते हैं, जो बुंदेला साहब देखते थे, जो सैनिक है वो आ जाते हैं और वो हमारी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है उसे और बर्बाद करने के लिए सबको मारने लगते हैं। और ये एक वॉर है, मतलब बिटवीन बुंदेलाज एंड झांसी की जो सैनिक है और हम लोग हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉर इज़ कि हम तो हम सबके बीच झगड़ा हो गया था, मेरे बीच में, महाराज के बीच में झगड़ा हो गया था और मेरी जो फैमिली थी, जो खानदान था पूरा, वो पूरा गुस्सा हो गए थे। एंड उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था जिस हिसाब से रॉस ने एक्ट किया और महाराज ने उतना कुछ किया नहीं, ऐसा उन्हें लगा। तो वो सब होने के बावजूद सब एकजुट होकर, मतलब यूनिटी में आकर सबके साथ फाइट कर रहे हैं, तो वो देख के विजुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ऊपर थी। तो या इट्स अ रियली नाइस सीन। व्हाट डू यू वांट टू से महाराज? इसके लिए गंगाधर को भी काफ़ी चीज़ का एहसास हुआ है कि झांसी कहीं ना कहीं राइट है और आप गंगा। झांसी कहीं कह रहे, झांसी तो हमारा राज्य है, ये झांसी की लक्ष्मी बाई है, झांसी की रानी होने वाली है। और हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा बिल्कुल करेक्टली कि हमारा रिश्ता जो बिल्कुल अलग हो चुका था, जो टूट चुका था, वो कैसे जब एक एडवर्सिटी आती है या कुछ दुश्मन आते हैं तो कैसे सब एकजुट होकर, एक फैमिली बनकर, यूनाइटेड होकर कैसे हम उस एडवर्सिटी को से लड़ते हैं और कैसे उससे जीतते हैं। और जो दिखता है कि एक्चुअली वो क्लियर हो जाता है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। और उस सब प्रोसेस में और उस सब चीज़ों में कैसे मैं और गंगाधर और मणिकर्णिका एक दूसरे की तरफ दोबारा से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ प्यार और इज्जत फिर से आ जाती है, जो रीन्यूड है, जो पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर जो अल्टीमेटली फाइनली रॉयल वेडिंग पे पहुंचती है, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा लॉन्ग ट्रिप है। और क्या कहा था अनुष्का से पूछना चाहूँगी, कभी भी अगर ऑब्वियसली झांसी की रानी जब शो है तो उसमें कहीं ना कहीं सीन्स ऐसे हो रही है जैसे आज हानेस के सीन्स हो रहे थे, तो आप ऑफ स्क्रीन कितना मजा करती है और जब भी ये सीन्स होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है? ये ने बस सिर्फ 3 बार मेरे ऊपर लैंड किया लात मार के, बस ज्यादा तो है नहीं। मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि लात मारने में मुझे नहीं मुझे पता नहीं था कि इनके ऊपर मैं लैंड करूंगी गलती से, पर मुझे बहुत मजा आता जब वो मेरे को ऊपर ऐसे लेकर जा रहे थे ना 3 बार। मैं मेरा गलती नहीं है, कल वाले भी बहुत अच्छे थे वैसे, बड़ा मजा आया, लेकिन है ना बहुत मजा आया मुझे तो मार खा के, इतना मजा आता है, इतना फेदर टच है, ऐसे ऐसे फेदर टच होता है कि पता ही नहीं लगता। आप लगा जाइए, बहुत मजा आया। आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो आई हैव को स्टार हूज गॉट वेरी वेरी सिमिलर, मैंने ये बार बार मेंशन भी किया और इनको भी बोला दैट हु हैज अ रियली ग्रेट वेरी वेरी सिमिलर पैशन लाइक मी टुवर्ड्स वर्क एंड इट जस्ट रियली मेक्स इट वेरी वेरी इजी फॉर बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। और फिर आप रिजल्ट तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा आता है मेहनत के बाद। एंड she's my favorite poster and actually he's you know I'm so happy that he's playing Gangadhar Rao because I feel so comfortable and he always motivates me to work better, so hamara jab bhi scene hota hai we are always excited, yeah we have to do it and bahut acha karna hai. Okay, let's show them our handshake. Yes. Samira.